गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पहले ही एक पूरी वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तो अभी आज हम करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। अभी जो कंडीशन होती है बेसिकली दो तरह की होती है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन वो होती है जो पार्टीज एक्सप्रेसली अग्री करती हैं, चाहे रिटर्न में चाहे ओरली, कि ये जो कंडीशंस हैं ये आपको अग्री करनी पड़ेगी, ये आपको माननी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी आगे इम्प्लाइड कंडीशंस। इम्प्लाइड कंडीशंस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अपने आप ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ये इम्प्लाइड कंडीशन जो होती है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडिंग होती है, अनलेस कोई एक्सप्रेस या अग्रीमेंट किसी ने नहीं किया हो इनकंसिस्टेंट विद दीज कंडीशंस, ठीक है ना। तो अभी ये जो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन है, ये दो तरह की होंगी, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन की अगर बात करें तो पांच तरह की इम्प्लाइड कंडीशन है। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो फर्स्ट इज कंडीशन एज टू टाइटल, जो सेक्शन 14 के अंडर दी गई है। अभी जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो तो उसकी एक सेलर के ऊपर एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि अगर वो सामान वो बेच रहा है, अगर प्रोडक्ट वो बेच रहा है तो उसके पास उस प्रोडक्ट को बेचने का राइट है, ठीक है। और अगर उसने अग्रीमेंट को सेल किया है तो इन फ्यूचर जब उसने वो गुड्स को सेल करना है तो उस टाइम पे उसके पास उन गुड्स को बेचने का राइट होगा। मतलब अगर सेलर के पास एक अच्छा टाइटल है तभी वो आपको एक टाइटल पास कर सकता है। अगर सेलर खुद ही ओनर नहीं होगा उन गुड्स का, ठीक है, उसके पास खुद ही उन गुड्स का टाइटल नहीं होगा तो वो आपको क्या टाइटल देगा। इफ समवन डोंट हैव समथिंग देन हाउ कैन दे गिव इट टू यू। तो एक वो चीज आती है कि अगर उनके पास है राइट सामान बेचने का तभी वो आपको बेच सकते हैं, अगर उनके पास खुद के पास वो टाइटल नहीं है तो वो नहीं बेच सकते, ठीक है ना। नाउ देयर वाज अ केस ऑफ रोलैंड वर्सेस डायवॉल, जिस केस में उन्होंने एक्सप्रेशन राइट टू सेल को एक्सप्लेन किया था कि राइट टू सेल का मतलब है कि जो सेलर है उसके पास उन गुड्स को बेचने का राइट है और उससे ज्यादा सुपीरियर टाइटल उन गुड्स का किसी के पास नहीं है, ठीक है। अभी अगर कोई आपको ताजमहल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स ही कांट बिकॉज ही डोंट हैव टाइटल टू दैट गुड्स, उसकी ओनरशिप नहीं है ताजमहल की उसके पास, तो वो नहीं बेच सकता। तो वो चीज आती है दैट ही मस्ट हैव राइट टू सेल दोस गुड्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, दैट इज सेक्शन 14। नाउ सेकेंड कंडीशन जो है वो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15, कि जब सेलर और बायर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें वो प्रोडक्ट को बाय डिस्क्रिप्शन सेल करता है तो फिर एक इम्प्लाइड कंडीशन आती है कि जो डिस्क्रिप्शन में उसने दिया है उसका जो प्रोडक्ट है, उसके जो गुड्स हैं वो उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और कह रहे हो और जो आप एक्चुअल में गुड्स दे रहे हो इट्स समथिंग एल्स। अगर जो जो चीजें आपने डिस्क्रिप्शन में बयान करी है वो ही चीजें जो है वो ही गुड्स आपको देनी पड़ेंगे, ठीक है। This rule is based on the maxim that if you contract to sell peas, you can't oblige party to take beans. अगर आप बीन्स बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आप फिर पार्टी को ये नहीं कर सकते कि आपको बीन्स लेने पड़ेंगे। If you are selling something, then you must give that something. If you are selling something to the buyer, you must give that thing to buyer and not something else. ठीक है ना। तो अभी इसमें बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है। फर्स्ट वन दैट बायर हैज नेवर सीन गुड्स। अभी पहली बात तो ये है कि अगर बायर ने कभी वो गुड्स देखे ही नहीं, वो कम्प्लीटली आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर रिलाई कर रहा है कि आपने जो कहा है उसी के ऊपर मैं गुड्स लेना, तो उस केस में जो आपने अपने डिस्क्रिप्शन में कहा है फिर आपको वो ही देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली, अभी बायर ने यहाँ पर गुड्स देखे तो है लेकिन फिर भी वो उस चीज पर रिलाई कर रहा है जो आपने उसको स्टेट किया रेदर देन जो उसने देखी है, ठीक है। तो अगर बायर ने गुड्स देखे हुए हैं, इवन अगर वो किस पे रिलाई कर रहा है जो सेलर ने उसे बताया है, ठीक है ना, तो उस केस में भी ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो वहां पे जो है वो लागू हो। नाउ पैकिंग ऑफ गुड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपने कहा है कि आप इस तरह से पैक करके दोगे, अगर सेलर ने कहा है कि यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये मतलब तीन बॉक्सेस में आएंगी, ठीक है, तो टीम के बॉक्सेस में आपको ये पैक होके मिलेंगी, तो वहां पर आप उसको नॉर्मली मतलब प्लास्टिक के डब्बों में या फिर उसको मतलब कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैक करके नहीं दे सकते। तो पैकिंग ऑफ गुड्स आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट ब्लाइट कंडीशन वी हैव अ सेल बाय सैंपल। नाउ यहाँ पर अगर गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो, सेलर सप्लाई कर रहे हो ऑन बेसिस ऑफ सैंपल, कि एक सैंपल दिया है, तो यहाँ पर जो बल्क वो प्रोवाइड करेगा वो क्वालिटी में जो उसने सैंपल दिया था उसके कॉरेस्पॉन्ड ही होना चाहिए, उससे मैच करना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि सैंपल में जो सेलर है उसने एकदम सुपीरियर क्वालिटी दे दी है एंड वेन ही इज गिविंग द बल्क प्रोडक्ट तो उसमें वो जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाए या वो इंफीरियर क्वालिटी का। क्वालिटी जो है जो सैंपल में दी थी वही क्वालिटी जो है वो बल्क में भी सप्लायर को या फिर सेलर को देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बायर है उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि उसके जो गुड्स हैं उनको वो सैंपल के साथ कंपेयर कर सके। ऐसा नहीं है कि सेलर या बस फटाफट जाकर बल्क दे आया, उसको जो सेलर है उसको बायर को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी होगी, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि उसके जो गुड्स हैं सैंपल से वो उसे कंपेयर कर सके, ठीक है। एंड गुड्स शेल फ्री फ्रॉम एनी अपेरेंट डिफेक्ट। अपेरेंट डिफेक्ट मतलब कि जो अगर कोई अपेरेंट डिफेक्ट वो होता है कि अगर आप रीजनेबली एग्जामिन कर रहा है जो बायर उन गुड्स को, तो वहां पे उसको वो डिफेक्ट देखेगा, जैसे कहीं से कोई चीज टूटी है फूटी है, तो अगर वो ध्यान से बायर देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये टूटा है फूटा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अभी ये अपेरेंट डिफेक्ट है, तो अगर अपेरेंट डिफेक्ट बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिली थी गुड्स को कंपेयर करने की और उसने उसमें से वो गुड्स को देखा भी और अच्छे तरह से एग्जामिन नहीं किया, बस ऐसे ऊपर ऊपर से उसने गुड्स को देख लिया, और बाद में अगर वो कोई अपेरेंट डिफेक्ट देता है तो फिर उस केस में जो सेलर है वो लायबल नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर अपेरेंट डिफेक्ट है और बायर को प्रॉपर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिली थी उन गुड्स को देखने की, तो फिर वहां पर वो डिफेक्ट्स के ऊपर जो सेल बायर है कल को क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैड टाइम, उसको देख सकता था, तो वो देख सकता था, उसे दिख सकता था कि ये प्रोडक्ट टूटा हुआ है, उसे नहीं लेना है, बट फिर भी उसने उस टाइम पे ध्यान से चेक नहीं किया, तो बाद में फिर वो सेलर के ऊपर कोई क्लेम नहीं डाल सकता फॉर डैमेजेस। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट सवरेबल है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को सवर अलग अलग किया जा सकता है, तो बायर जो है वो जो गुड्स रखना चाहता है जो सही है जो सैंपल के साथ मैच करें उनको रिटेन कर सकता है और बाकी सबको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट सवरेबल नहीं है तो उस केस में या तो वो सारा का सारा रिजेक्ट कर सकता है या सारा का सारा एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 15 जो है एक और बताता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अगर सैंपल भी दिया है डिस्क्रिप्शन भी दिया है तो गुड्स जो वो सेलर सेल कर रहा है वो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल दोनों के साथ मैच करने चाहिए, जस्ट सैंपल या जस्ट डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं, ठीक है। नाउ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सेक्शन 16 जो है वो क्वालिटी और फिटनेस के ऊपर कंडीशन के बारे में बताता है। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो कोई भी इंप्लाइड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी टू फिटनेस को लेके कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर पर्सन पे फिट बैठेगा या नहीं, ठीक है। हमेशा प्रोडक्ट्स जो है उनकी जनरली ही बात की जाती है, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन पे फिट होगा नहीं होगा इसके ऊपर सेलर की कोई भी कंडीशन, सेलर के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं होती। बट अगर बायर एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली सेलर को अपनी पर्टिकुलर पर्पस के बारे में या अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बताता है और ये चीज शो करता है दैट बायर जो है वो उसकी स्किल पे या उसके जजमेंट पे रिलाई कर रहा है, देन एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है ऑन द पार्ट ऑफ सेलर कि जो गुड्स हैं वो रीजनेबली फिट होने चाहिए उस पर्पस के, ठीक है। अभी मान लो कि एक पर्सन है वो विंटर्स के लिए, अभी मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है अभी वो विंटर्स के लिए किसी शॉपकीपर के पास जाता है कुछ मतलब कोट लेने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर उसको उसने सेलर को बताया कि मुझे इस पर्टिकुलर फैब्रिक से एलर्जी है, लेकिन उसके बाद भी और उस फिर उसके बाद वो प्रॉपरली सेलर की जजमेंट के ऊपर रिलाई करता है। अगर वहां पर उसके बाद भी सेलर उसे कुछ ऐसा फैब्रिक दे देता है जिससे उसको एलर्जी हो जाती है, तो उस केस में जो सेलर है वो लाइबल होगा। बट अदरवाइज अगर उसने नॉर्मली जाकर कोट मांगा है और उसने कोई ऐसी अपनी पर्टिकुलर पर्पस या फिर अपने फिटनेस के बारे में नहीं बताया, तो उस केस में फिर सेलर लायबल नहीं होता।
नाउ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है वो कंडीशन बताती है एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कि एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जो भी गुड्स आप लेने जा रहे हो मार्केट में वो कमर्शियल एक्सेप्टेबल हो, मर्चेंटेबल क्वालिटी के हो। अगर आप एक रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हो तो वो आइस जो है वो बनाती है, वो ऐसा नहीं कि आइस ही नहीं जमती उसमें। अगर आप टीवी लेने जा रहे हो तो एक कलर टेलीविजन लेने जा रहे हो तो उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सब कुछ आ रहा है, तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब कि वो गुड्स जो है वो कमर्शियली एक्सेप्टेबल है, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है। ठीक है, मर्चेंटेबल का मतलब क्या है कि आर्टिकल जो है वो इस क्वालिटी के हैं और इस कंडीशन में है कि एक रीजनेबल मैन उन आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर लेगा इवन आफ्टर फुल एग्जामिनेशन। ठीक है, इधर को हिज ऑन यूज और इज सेलिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मर्चेंटेबल क्वालिटी की बात करें या फिर यहाँ पर हम बात करें सेल बाय डिस्क्रिप्शन की, तो उन दोनों में प्रोडक्ट की या गुड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, देखो तो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है पेटेंट डिफेक्ट, होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट वो वाले डिफेक्ट होते हैं जो अगर हम रीजनेबल एग्जामिन करेगा बायर विद ऑर्डनरी इंटेलिजेंट तो उसे वो डिफेक्ट्स दिख जाएगा, और लेटेंट डिफेक्ट वो होते हैं जो वो नॉर्मल एग्जामिनेशन से नहीं देख सकते। अभी मान लो कि एक पर्सन टेलीविजन लेने के, ठीक है, अब अगर वो टेलीविजन कहीं से टूटा है, उसकी स्क्रीन टूटी है, तो क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि इसकी स्क्रीन टूटी है, वो ध्यान से देखेगा तो उसे दिख जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि उसके मशीनरी में कोई इश्यू है या कुछ ऐसा है जो बाद में ही पता चल सकता है विद टाइम, तो फिर वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो वो हो गया हमारा लेटेंट डिफेक्ट जो हमें टाइम ही पता चल सकता है। अभी जो बायर होता है, ठीक है, अगर उसको रीजनेबल टाइम मिला है उस चीज को, उस प्रोडक्ट को चेक करने का, तो फिर वहां पर पेटेंट डिफेक्ट अगर वो ध्यान से देखता, उसे दिख जाता, तो फिर वहां कल को जो बायर है वो सेलर के ऊपर पेटेंट डिफेक्ट के लिए क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज इट वॉज द फॉल्ट ऑफ बायर कि उसने वहां पे उस प्रोडक्ट को चेक नहीं किया था ध्यान से। वेयर एज अगर लेटेंट डिफेक्ट है तो फिर वहां पर जो बायर है वो सेलर से कल को सेलर को क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इम्प्लाइड कंडीशन है ये सिर्फ लेटेंट डिफेक्ट्स पे अप्लाई होती है, एप्लीकेबल नहीं है ये पेटेंट डिफेक्ट्स पे अगर बायर ने अच्छी तरह से गुड्स को एग्जामिन किया था तो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है होलसम की। अगर ईटेबल प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पे फिर कंडीशन होती है कि जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी दूध पानी जो भी है, ये शुड बी फिट फॉर कंसप्शन। ऐसा नहीं है कि वो खाया और बीमार पड़ गए, तो फिर वहां पे ये नॉर्मल कंडीशन है जो अप्लाई होती है। ठीक है, देन अगर कोई कस्टमर यूजेज ऑफ ट्रेड है तो फिर उनपे भी ये कंडीशन इम्प्लाई। तो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉन्ग वीडियोस। थैंक यू गाइस, एंड इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स।